गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि मैं वेश सर, हम लोग बात करते हैं आज वर्क सब टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक में। आज का टॉपिक हमने लिया है मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स। मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स में पहला टॉपिक है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर एक स्टील का तार, नुकीला तार के आकार का होता है, जो कि किसी भी मार्क्स किसी भी स्थान पर चिन्ह लगाने के लिए यूज में किया जाता है। जैसे नाम से ही मतलब है कि मार्किंग टूल्स, मतलब ये मार्क लगाने के काम में आता है। इसमें तो तीन चार प्रकार के होते हैं, जैसा पहला इसमें लिखा है ट्राई स्क्वायर, बेबल प्रोट्रैक्टर, कॉम्बिनेशन सेट और सेंटर स्क्वायर। कॉम्बिनेशन देखो, ट्राई स्क्वायर बेबल प्रोट्रैक्टर को हम आगे डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखो बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो मार्क करने के लिए काम आता है। और सेंटर स्क्वायर मतलब सेंटर, जहाँ पर पंच जिसे कहते हैं, पंच के आकार का होता है, जो कि ये मार्किंग के लिए, मेन मार्किंग के लिए, जैसे कि निशान लगाने के लिए किसी भी लोहे की सीट पर, और मेटल्स पर निशान लगाने के। दूसरा टॉपिक आपका आता है हैंडसा। हैंडसा मतलब है था आरी, हैंडसा मतलब जैसे कहते हैं आरी। इसमें देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, ये फ्रेम है, दूसरा हैंडल है, ब्लेड्स है। हैक्सा एक कटिंग टूल्स है। क्या होता है? एक कटिंग टूल्स होता है जो कि मैनुअली फिटिंग शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें होता है? फिटिंग शॉप में। तीन भागों में हैंडल, हैक्सा, फ्रेम और ब्लेड। उच्च गति के या हाई स्टील का जो इसकी ब्लेड्स होती है, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, जिसमें एक ब्लेड में दांते कटे होते हैं। दांते कटे होने की वजह से ये क्या करता है? कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, बात समझ में आई? हेक्सा ब्लेड आपने देखा होगा जनरली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स में आपका क्या है? स्ट्राइकिंग टूल्स में आपका आता है हैमर। स्ट्राइक मतलब होता है जिसमें किसी भी चोट लगाना, क्या करना? चोट लगाना। स्ट्राइकिंग टूल्स में आपका आता है हैमर, जो कि टूल्स जो कि किसी भी चोट लगाने के लिए किया जाए। आमतौर पर हैमरिंग या फिटिंग शॉप की दुकान पर इसका या फिटिंग शॉप में इसका काम किया जाता है। हैमर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो डिफरेंट टाइप आपको बॉल पिन हैंडल के आकार पर डिवाइड किया जाता है या फिटिंग के काम में उपयोग में लिया जाता है। इसका वजन 0.2 kg से 2 kg तक होता है। जनरली जो मिनिमम या जो स्टैंडर्ड साइज होता है, इसका 0.2 kg से या 2 kg के बीच में होता है। बात समझ में आ गई? तो हैमर के डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेंच वाइस। बेंच वाइस आपने देखा होगा, आपने लैब में भी है, लैब में लगा हुआ है। लैब में क्या है? एक ऐसा पकड़ने की कम बेंच वाइस एक ऐसा होल्डिंग डिवाइस। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। तो ये इसमें तीन प्रकार का होता है, लेग वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस। तो लेग वाइस मतलब कि जहाँ पर टांग, मतलब जब स्टैंड लगा होता है, हैंड मतलब जो हाथ से, और पिन मतलब जहाँ पर पॉइंट लगा होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो मतलब बेंच वाइस वो चीज़ होता है जो कि मेनली है फोल्ड करने के लिए या फोल्ड करने के उपयोग में लिया जाता है। बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। इसमें क्या है, जैसे कि जैसे 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 आप उसमें इसमें जैसे वर्ड ले रखा है कि लेग वाइस, हैंड वाइस और पिन वाइस। लेग वाइस में क्या है, मतलब कि स्टैंड लगा होता है। हैंड में क्या है, मतलब कि जो कि स्टैंड किसी भी बना होता है। उसके बाद हमने क्या बात किया था नेक्स्ट टॉपिक में, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जैसा कि इसमें एक वर्ड भी क्या है, नाउन के वर्ड है। तो ये कारपेंट्री टूल्स कंसिस्ट रूल ऑफ मेटल्स। ये कारपेंट्री टूल्स में जितने भी 90 डिग्री के एंगल्स को, राइट एंगल को मेज़र करने के लिए ट्राई स्क्वायर को उपयोग किया जाता है। ये किसी भी चारों साइड को मेज़र किया जा सकता है। इसमें मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यही है, कोई औजार, कोई मेजरिंग टूल, टेप्स नहीं है, तो इससे भी आप साइड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेबल प्रोट्रैक्टर। जैसा कि नाम से ही है, प्रोटेक्टर क्या है? चांदा। जब हिंदी में उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में देखें चांदा, तो कहने में बेबल प्रोटेक्टर इज द एंगुलर मेजरिंग डिवाइस। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर इज द सिंपलेस्ट एंगुलर। क्या मतलब? किसी भी कोण को मेजर करने के लिए बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो बेबल प्रोटेक्टर जैसे कि आपको ये आपको इंग्लिश में, तो हम इसलिए इसको हिंदी में आपको बताते जा रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो बेबल, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, बेबल प्रोटेक्टर दोनों तरह के होते हैं। बेबल प्रोटेक्टर होता है एक एंगुलर मेजरिंग डिवाइस, जो किसी भी कोण पे या एंगल नापने के लिए काम में लिया, कोणों को नापने के लिए किया जाता है। और वर्नियर बेबल को प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर इज सिंपलेस्ट एंगुलर मेजरिंग डिवाइस हैविंग द वर्नियर स्केल प्रिंसिपल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ये किस पे काम करता है? जैसे वर्नियर कैलिपर्स आपने देख पढ़ा होगा, तो वर्नियर कैलिपर्स के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। और क्या करता है? ये एंगल नापने के लिए या एक्यूट एंगल, बहुत छोटा एंगल
अक्यूट, अब देखिए आप दो एंगल पढ़े होंगे मैथ में, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, एक जो नए जो 90 डिग्री से कम होता है, या जो 60 डिग्री से कम होता है, जो 60 डिग्री से बड़ा होता है, या 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस। तो मिनिमम एंगल को नापने के लिए यूज़ किया जाता है ब्रेबर प्रोटेक्टर का। अब वैसे भी आप देखो प्रोटेक्टर नाम सुना है चांदा, जिस पे आप देखा होगा 180 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक कटे होते, इसमें भी आपको जो फिगर दिख रहा है इसमें भी मार्किंग कटा होता है, इसमें भी एंगल कटे होते हैं। इस एंगल से क्या किया जाता है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोण को नापने के काम में ले सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो रही। तो ये आपका टॉपिक्स में देखिए, जैसा कि ये टॉपिक आपका कवर होते हैं, अब हम लोग इसी तरह टॉपिक में आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो बेवियर प्रोटेक्टर में आप और भी जान सकते हैं, ये बेवियर वेनियर प्रोटेक्टर्स होता है, आप ट्राई स्क्वायर भी सकते हैं। उसे हमने उसमें उसमें नेक्स्ट टॉपिक था कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में क्या आता है, इसमें कई प्रकार का आपका प्रोटेक्टर भी आ जाता है, ट्राई स्क्वायर आ जाता है, तो ये डिफरेंट। ओके।